नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्वरोजगार स्थापित कर आजीविका संचालित करने के उद्देश्य की पूर्ति में एक और प्रयास शामिल हो गया है। सीईओ जिला पंचायत संघ प्रिय और जिला परियोजना प्रबंधक आजीविका मिशन अशोक चतुर्वेदी के निर्देशानुसार तहसील परिसर पवई में लोगों को सुलभ तरीके से खाद्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आजीविका स्वाद संगम कियोस्क का उद्घाटन जनपद पंचायत अध्यक्ष मोहिनी आनंद मिश्रा द्वारा फीता काटकर किया। उद्घाटन कार्यक्रम में एसडीएम पवई भारती मिश्रा, तहसीलदार पवई प्रीति पंथी, सीओ जनपद पंचायत पवई धीरज चौधरी, जिला प्रबंधक आजीविका मिशन जिला पन्ना ओपी सोनी, खंड पंचायत अधिकारी जनपद पंचायत पवई वेद नारायण अवस्थी, ब्लॉक मैनेजर पवई दिनकर गर्ग सहित आजीविका मिशन का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जनपद अध्यक्ष पवई मोहिनी मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में बड़े कार्य किए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आजीविका मिशन द्वारा महिलाओं के समूह बनाकर निरंतर रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उसी दिशा में आज यहाँ आजीविका स्वाद संगम नाम से लोगों को उचित दाम एवं स्वच्छ खाद्य सामग्री मिल सके, ये के सेंटर खोला गया है जिसका संचालन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाना है। महिलाओं को होटल मैनेजमेंट का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। जनपद अध्यक्ष ने फूड कियोस्क संचालन के लिए महिलाओं को प्रेरित करते हुए शुभकामनाएं दी। भारत न्यूज टीवी से शमीम खान। मैडम, मैं चाहूंगा मैडम से अनुरोध है कि ये चाबी देकर के इन महिलाओं को हैंड ओवर करेंगे आज आजीविका कियोस्क। चाबी देख नहीं रही छोटी बनाई